हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए, पहले हम इसी तरह से वीडियो बनाते थे, नीचे प्लांट रखते थे और वीडियो मोबाइल पकड़ के बनाते थे। आज मैं उसी तरह से वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए, जो हमारे छत पे इतना निकला था साग सब्जी, पालक है, मूली है, सोआ भी है दोस्तों, नीचे है सोआ, ये देखिए सोआ भी है। हम अपने गार्डन में दोस्तों, देखिए ऑर्गेनिक ही गार्डन है मेरा, कोई भी यूरिया डाई मैं नहीं डालती। और आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि आप लोग भी मत डालिए। इतना हम मेहनत करते हैं, दिखाने के चक्कर में हम गलत रास्ता हमें नहीं चुनना चाहिए। एक दाना भी मत डालिए, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक खेती। और जो गार्डनिंग करने की शुरुआत करना चाह रहा है, हम उससे यही कहना चाहते हैं दोस्तों कि जैसे कि हमें जो अच्छा लगे, जो सरल हो, वही काम करना चाहिए। हमारी सासू माँ जब ख़त्म हुई थी तो कितने लोग बोले कि बाहर खाना बनाया जाता है। मेरी मम्मी खुद बोली कि बाहर खाना बनाया जाएगा, जो आग दिया है उसका खाना अलग बनेगा। और हमारे जो बगल में हैं बरनवाल हैं, तो उनकी वाइफ आई थी तो वो बोलने लगी कि देखिए, आपको जो सुविधा लगे आप वैसा काम करिए। तो उनका सुझाव मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ, मैं किसी को भी ज़्यादा बुलाई भी नहीं। बस जब तेरे ही था तभी हमारे घर बहुत भीड़ हुआ था, उसके बाद पहले नहीं भीड़ हुआ। बहुत ही अच्छे से मेरा सब कुछ काम हुआ। इसीलिए दोस्तों, गार्डनिंग में भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जो बहुत आराम लगे, जैसे आपके घर कुछ गमला नहीं है, पौधे नहीं खरीदना चाहते हैं, तो हर चीज़ वेस्ट में शुरुआत करिए। मेरे हस्बैंड आ गए दोस्तों, अब मैं वीडियो बंद कर रही हूँ क्योंकि अभी खाना बनाना है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ये देखिए, इसमें वेस्ट रखे हैं सब। ये मूली देखिए किस तरह से इसमें ये घुमा के इसके अंदर चला गया है। ये हमारे छत पर की मूली है दोस्तों, और नीचे है छिमनी का छिलका। अभी इसमें छेदा नहीं किए हैं गमले में। इतना प्लांट हो गया है लेकिन धूप नहीं लग रहा है छत पे, यही टेंशन है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।